बड़ा रह देखे। चलिए अब देखिए इसमें दिया जा रहा है गर्म पानी, और टाइम कर दे सुने राइट टाइम तो हैप्पी टेस्ट देखने में ही लग रहा है कि खाने में कैसा टेस्ट आएगा पता नहीं। स्वागत है फैन गोलू फैमिली ब्लॉग्स में। तो दोस्तों सुबह हो रही है, आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो सुबह के टाइम दोस्तों हम अकेले अभी बैठे हुए हैं और क्या करने वाले हैं आप लोग को स्पेशल आज आप रेसिपी दिखाने वाले हैं। ये देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए गोड़ी ले आई है, ये देखिए आप लोग कौन सी देख के ही समझ गए हैं क्या है इसे। देखिए लेग पीस है दोस्तों, बकरा का लेग पीस जो लाए हैवी वाला, देखिए नुमा टाइप से खोया वाला भी है, बताओ तो ब्राउन टाइप सा भी है और ये ब्लैक वाला भी है। तो चलिए इसको गर्म पानी मेरा उधर रेडी हो गया, चलिए आप लोग को दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए गर्म पानी मेरा रेडी हो रहा है, देखिए जैसे चूल्हा हम दबकने लगा है। अब क्या करते हैं इसको छीलते हैं, किस तरह से बनाते हैं आप लोग ब्लॉग पे बन के रहिए। चलिए सारा को उठा लेते हैं, ये देखिए उठा के यहाँ पर रख लेते हैं और गर्म पानी में डुबोते हैं। देखिए गचाक से कैसे गिरा, तो चलते हैं दोस्तों अभी काम करते हैं। दोस्तों अभी स्टार्ट करते हैं, देखिए उबलता हुआ पानी को यहाँ पर आपको दिखाते हैं और इसको घुसाते हैं, बहुत अच्छा से घुसाना पड़ेगा। ये देखिए दबक रहा, ये देखिए अब देखिए इसको हम थोड़ा सा ये करेंगे, जाने नहीं खोजते जी, ये जाने नहीं खोज रहा, फिर से डुबाते हैं थोड़ा सा गर्म करते हैं। चलिए अभी लोग को तो छाड़ी ना, ले छाड़ी रखी दीजिए कि चलिए भी ले आए, चिमटा ले आए थोड़ा सा देने के लिए। अब इसको उबलते हुए थोड़ा सा आँच टोर बढ़ा देते हैं ताकि कमी ना, थोड़ा सा भी बस उबलने देते ना, अपने ही जाती को छाड़ी जाते हैं। सब दे दो, सब कम से कम दी, चलिए चारों को दे देते हैं। अब कुछ देर उबलने के लिए छोड़ देते हैं, ये सब गर्म हो गया था पूरा, देखो कि लेकिन ठंडा गल पड़ गया। ये रहा दोस्तों, देखिए फिर से गर्म होने के बाद देखिए किस इस तरह से जा रहा है, देखिए है ना, जितना गर्म होगा उतना अच्छा रहेगा। ये देखिए हाथों से चल जाएगा क्योंकि भाई पूरा गर्म लग रहा है। चलिए इसी तरह से क्या करते हैं साफ कर लेते हैं, बाकी सबको उबल रहा देखिए यहाँ पे, सबको उबलने के लिए छोड़ दिए हैं। चलिए अब सबको मिल बांट के साफ करते हैं क्योंकि एक साथ करने में अच्छा रहेगा। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बाकी गोड़ी मेरा गर्म हो रहा है और गर्म होने दिए हैं, और देखिए जितना छिलाना था उतना छिल दिए हैं। और क्या करते हैं ये लेजर ले लिए, देखिए ये लेजर, इससे हम थोड़ा सा क्लीन करेंगे। देखिए कुछ इस तरह से होता है जैसे दाढ़ी कमाते हैं, देखिएगा बोले ये देखिए तरीका थोड़ा सा होना चाहिए अच्छा से, देखिए कैसे जा रहा है। ये देखिए दोस्तों कितना साफ सुथरा हो गया ना, ये देखिए। तो क्या करते हैं अभी पूरा सबको साफ करते हैं फिर आप लोग को दिखाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं हम लोग पूरा ये करके रेडी कर लिए हैं, ये देखिए किस तरह से साफ हो गया है, इतना क्लीन हुआ जितना हो सके उतना कर लिया दोस्तों। देखिए ये सब हो नहीं रहा था इसलिए आग में थोड़ा सा देना पड़ा, ठीक है। और अभी फिलहाल हम लोग का देखिए वहाँ पे प्याज का फ्राई हो रहा है, अभी क्या करते हैं देखिए अभी हम काटेंगे, अभी थोड़ा उसके स्पेशल यहाँ पे रखेंगे। और देखिए ये देखिए जिस तरह से फ्रेश होकर दिखने लगा, देखिए मस्त टाइप सा। तो चलिए दोस्तों क्या करते हैं अभी धो लेते हैं फिर आप लोग को काटते हैं, और उधर भी बन रहा है हम लोग का ना, उसके बाद आप लोग को दिखाते हैं। देख सकते हैं ये धो के हम पूरा फ्रेश कर लिए, ये देखिए जो गोरा है वो गोरा दिखता है, जो काला था वो काला दिख रहा है। और देखिए कटार और लकड़ी लगे हम खड़ा कर दिए, तो चलिए अभी एक को काटते हैं कुछ इस तरह से, देखिए बड़ा बड़ा रह देखिए। देखिए मस्त ऐसा काटा जा रहा है, ये देखिए मस्त ये वाला हैवी वाला निकल गया, ये तो कैल्शियम कैल्शियम रहता है ये वाला। चलिए इसको यहाँ से मारते हैं, जोर से मारे छिटके चलते हैं। ये रहा दोस्तों, देखिए एक पेड़ का हम टुकड़ा कर लिए हैं, कितना भाग बना देखिए। तो चलिए अभी क्या करते हैं रखते हैं इसमें थाली में, थाली तो ले लेते हैं, ये थाली में दोस्तों रख रहे काट फाड़ से गोटे लो कौन है फाड़ी दिलियो ठीक है फाड़ ना नहीं गोटे फाड़ कर लग। चलिए दोस्तों अब दूसरा वाला आपको स्टार्ट करते हैं सेम इसी तरह से, देखिए कहां भाग जा रहा है।
दोबारा मत मारिए, एक बार मारिए उसको बैटरी से काट दीजिए। फाइनली दोस्तों मेरा पूरा कंप्लीट हो गया, देखिए पूरा थाली भर गया, देखिए भारी भरकम थाली कैसे लग रहा है ना, मैं भर के रेडी हो गया। और हम लोग का देखिए यहाँ पे मसाला भी फ्राई हो रहा है, कुछ इस तरह से फ्राई हो रहा है। अभी क्या करेंगे, मम्मी बना रही है, यहाँ पे रख देते हैं, यहीं पे रख दिए। ओके चलिए यहाँ पे रख देते हैं, और बाकी जुगाड़ सब आप लोग देख सकते हैं मेरा यहीं पे छिटा हुआ है, इसे घुसा देना पड़ेगा। तो चलिए आप लोग ब्लॉग पे बन के रहिए, वो देखिए मसाला बहुत फ्राई हो गया, दे दो ठीक है। चलिए दोस्तों मसाला ठीक आने लगा, चलिए आप क्या करते हैं दे देते हैं बटन पाया से। चलिए चारों तरफ से बुलाया जा रहा है कि किस तरह से, देखिए हड्डी लग रहा है देखने में, देखिए एक कढ़ाई भर गया। कुकर में हम लोग बनाएंगे, देखिए कुकर में, इस तरह कुकर में बनाते हैं हमेशा, और थोड़ा बड़ा बड़ा साइज काटे हैं। तेज पत्ता दिल से तेल कुकर मसाला डालने दिए कि कौन ला चलो ठीक है। यहाँ दोस्तों देखिए यहाँ पे तेज पत्ता देखे हम लोग पहले ही, ये रहा दोस्तों देखिए हम लोग मटन पाया पूरा फ्राई हो गया है। नवाजी ये देखिए, और हमने कुकर में भी रेडी कर दी, मीट मसाला डाल देते थे ना, ये देखिए कैसा लग रहा है। चलिए अब देखिए इसमें दिया जा रहा है गर्म पानी, और टाइम कर देते नहीं कढ़ाई टाइम, तो हैप्पी टेस्ट देखने में ही लग रहा है कि खाने में कैसा टेस्ट आएगा पता नहीं। कुकर से बनाने से क्या होता है, जल्दी सीटी मराने से इसका जो अंदर का पार्ट रहता है वो आसानी से निकलता है और खाने में मज़ा लगता है। देखिए सारा मसाला को यहाँ दिया जा रहा है, और कुकर चढ़ा देंगे अभी, गर्म पानी होने दे दीजिए ना, गर्म पानी डालने से अच्छा रहता है। इधर से हम लोग का गर्म पानी हो रहा है, और यहाँ पे मटन पाया डाल चुके हैं, और मीट मसाला हुआ फेंका, और देखिए सबका खुरी सब देखिए कितना ही है, ये देखिए। तो फिलहाल दोस्तों हम लोग का गर्म पानी हो गया है, और ये देखिए मम्मी अब डाल देगी इसमें कुकर में, दिन सब दिन बस अब इसमें क्या करते हैं, आसान तरीका से चिकन मीट मसाला कर दे देते हैं, चला देते हैं थोड़ा सा, देखिए ये देखिए कितना झोल लग रहा है ना, अभी बनेगा ना, सीटी मारेगा ना, उसके बाद देखिए कितना काम हो जाएगा। दे दी मसाला ठीक, तो दोस्तों देखिए हम लोग का मीट मसाला आ गया है, दे दी सो हाँ सब दे दी ना हर ढेर रहता ठीक है कोमे दे दो कहाँ कोनो समय तियो न कोनो तियो न दिए। चलिए हो गया है, अब थोड़ा सा चलाए ना चलाए कोनो फर्क नहीं पड़ता है क्या, अब ढक्कन बंद कर देते हैं और हम लोग गैस में दे देते हैं ताकि धीरे धीरे इन टेम्परेचर से होगा। चलिए दोस्तों क्या करते हैं इसको गैस में दे देते हैं, सीटी मारने के लिए छोड़ देते हैं, फिर आप लोग को दिखाते हैं। देखिए वैसे उनकी नहीं, चलिए मम्मी लेके जा रही है गैस के घर ले जा रही है गैस में देने के लिए। तो इधर दोस्तों हम लोग का बन के रेडी हो गया, चलिए मम्मी अब कुकर उतारेगी, नवा का देखना पड़ेगा कैसा है कैसा नहीं, पूरा भारी लगो नहीं। चलिए उगार के देखते हैं, समय देखिए गैस नहीं कर रहा है, आरो जा तो आरो डोब को तो मेरे ख्याल से, देखिए कुछ इस तरह से दिख रहा है, चलाना देखिए हो गया ना। तो इधर दोस्तों मम्मी क्या करी सबके लिए, देखिए थाली में चावल लग गया हम लोग का पूरा घर का, और मेरा वाला इधर लगा हुआ है, अलग से लगा दिए है पहले ही, तो भूख काफ़ी ज़्यादा लग रहा था, सबके लिए लगा दे रही मम्मी। चलते हैं दोस्तों हम अपना थाली ले लिए हैं और खाने के लिए चलते हैं, यहाँ पे बैठते हैं चंदन। तो चलिए दोस्तों हम चावल में दे दिए हैं ये सब खाने के लिए, अब थोड़ा सा मटन पाया का टेस्ट करके देखते कैसा लग रहा है, ठीक है काफ़ी ज़्यादा गर्म है दोस्तों, और खाने में काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट लग रहा है, देख सकते हैं कैसा लग रहा है देखने में, देखिए है ना। और भी यहाँ पे पूरा कटोरी भी भरा हुआ मेरा है ना, अभी मटन पाया खाने वाले दोस्तों, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन मटन पाया खाए हैं। तो चलिए आप लोग को सबको इन्वाइट है, चलिए आज के ब्लॉग कहीं पर रख देते हैं, उम्मीद आप लोग को अच्छा लगा है दोस्तों, अच्छा लगे मेरे चैनल को लाइक कीजिए, जो न्यू है वो सब्सक्राइब कीजिए, तब तक के दोस्तों आप सभी के दोस्तों बाय बाय दोस्तों।